नंदिता और आप सभी का मेरे चैनल गोवा ब्लॉगर नंदिता में एक जबरदस्त वीडियो को देखने के लिए स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको ले चलूंगी मानरिम बीच, जो विदेशियों के लिए फेमस बीच है। चलिए अभी देखते हैं कि आज है 13 दिसंबर, यहाँ पर विदेशी लोग हैं या नहीं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि यह बीच पंजिम सिटी से लगभग 34 किलोमीटर दूर और अरंबोल बीच, जिसे रशियन बीच कहा जाता है, उसके पास है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि अरंबोल बीच में विदेशी लोग अपनी मार्केट लगाते हैं, जिसे हिप्पी मार्केट के नाम से जाना जाता है। गोवा की और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों और वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे गोवा का एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। दिसंबर का महीना चल रहा है और आप देख सकते हैं इस बीच में अभी भी विदेशी हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि इंटरनेशनल बॉर्डर बंद है, फिर ये कहां से आई। आगे वीडियो में मैं आपको और विदेशी लोगों से मिलवाने वाली हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस बीच में इंडियन टूरिस्ट नहीं हैं। और जब इन सारे विदेशी लोगों से बात करके पता किया, तो मुझे पता चला कि ये लोग लॉकडाउन से अपने देश नहीं गए। और इनमें से एक रशियन फैमिली मिली, जो कि बहुत ही फैमिलियर थी। इनका नाम था माइकल। देखिए इन्होंने क्या बोला। इनसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। ये गर्ल आर्मेनिया से हैं, ये भी लॉकडाउन मींस मार्च से अपने देश नहीं गई हैं। इस लेडी का इंटरव्यू मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। यहाँ पर आगे एक कपल आपको दिख रहे हैं, इनसे भी बात करके पता चला कि ये लोग रसिया से हैं। प्रेजेंटली यह केवल एक ही बीच है जिसमें आपको विदेशी टूरिस्ट देखने को मिल जाएंगे। और आज है 13 दिसंबर, पूरे गोवा के किसी भी बीच में आपको विदेशी देखने को नहीं मिलेंगे। इस बीच पर सबसे ज़्यादा रसिया एंड एक आर्मेनिया और एक कपल मुझे यूके से मिला। इंटरनेशनल टूरिस्ट अलाउ होने के बाद मानरिम बीच कैसे दिखता है, उसका भी वीडियो मैं बनाऊंगी। लेकिन आप मेरे वीडियो में जाकर या इन स्क्रीन में जाकर देख सकते हैं, लॉकडाउन के पहले का मानरिम बीच का वीडियो मैंने बनाया था। अगर गोवा से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जरूर जाना।
बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।